जिसने इस कायनात को रक्षा, और अल्लाह वो है जिसने जन्नत और जहन्नम को बनाया, और अल्लाह वो है जिसने मूसा को बनी इसराइल की जानिब भेजा। और इसी कुरान के अंदर ये वाक्या भी बरकू कि हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम व सलाम ने लोगों को यह बताया कि एक वक्त आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी जाने ऐसा शख्स भेजा जाएगा कि अगर तुमने उसकी बात तस्लीम ना की तो तुम बुरा हो जाओ, फिर तुम्हारा ठिकाना तबाहियों बर्बादी होगी। इसकी ताई हादी से मुबारका से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताया कि भाई मूसा को कलीमुल्लाह है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं ये बताता हूँ मैं ऐसा नबी लाने वाला हूँ जिसका नाम मोहम्मद है। या अल्लाह कैसी फजीलत है, अरे उसकी जो उम्मत होगी वो बनी इसराइल के अंबिया के बराबर उसके आमाल का जवाब मिलेगा। क्या यही फजीलत है? या अल्लाह ऐसी उम्मत, या अल्लाह बुरे की उम्मत देंगे? तो मैं भी नहीं, वो सारे सुन लिए गए जो बैठे हुए, सारे सुन लिए गए, आप सब सुने हुए हैं। अरे जो उतारा नबी जी ने आने की मुसलात और सलाम को अल्लाह ने फरमाया भाई मूसा ये तो सुन लिए गए, ये उम्मत सुन ली गई जिसके लिए मोहम्मद आदि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा या अल्लाह ये उम्मत मुझे नहीं देता, मुझे इस उम्मत तुझे बना दे। फरमाया भाई वो उम्मत ही चुन लिए गए, वो उम्मत ही चुन लिए गए। साहब ने कहा क्या कलर हो किसका मकसद है? तो रात के अंदर ये बात मौजूद है कि शराब हराम है, गुराब के अंदर ये बात मौजूद है कि जिना हराम है, गुराब के अंदर ये बात मौजूद है। तो रात के अंदर एक बात बड़ी अच्छी मौजूद है, लेकिन आप लोग शराब करने के लिए जाए तो जब किसी इलाके पर हमला करते हैं, जब किसी इलाके पर हमला करने के लिए जाए तो अगर आपको पता हो जाए तो आपने वहां सारे के सारे इंतजार दे देंगे, बाकी औरतों को कदर कर देना है, बच्चों को कदर कर देना है, बूढ़ों को कदर कर देना है, जवानों को कदर कर देना है, सारी इमारतों को इस्तेमाल कर देना है। यह है तौरात की तालीम जहाज के हवाले। वो यही भी आई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आए सलाम को सलाम को हुक्म हुआ किसका मुख्तार आगे चलता हूं। हजरत ने ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम को सलाम पर इंजील उतारी गई। आज पता नहीं कहा है वो इतना जी, बहुत सारी अंजीलें थी, उनमें से चार को खास कर दिया गया जिसे अनाजी के अरबा कहा जाता है। उसके अंदर एक दो लगा के पहले सुनाया था अना अंजील किताबुल्लाह कहा जाता है नहीं, मौजूदा अंजील किताबुल्लाह है नहीं, एक सारा इशारा होता है वजह वाला से प्याम हक का नाम था जिसे ईसाइयों में एक फिरका कैथोलिक फिरका छाया करता है। उसने दिसंबर 2011 के अंदर एक रिपोर्ट लाया, उन्होंने कहा कि 2010 के अंदर लाहौर से जो बाइबल कॉरेस्पोंडेंट वाले हैं उन्होंने एक बाइबल का, उस बाइबल के अंदर उन्होंने 42 जगह तहरीर पा दी, और प्याम हक वाले जो कि खुद ईसाई हैं कैथोलिक फिरके वाले हैं उन्होंने गुजरावाला से अपने रिसाले में ये बात की कि 42 जगह तहरीफात हुई है जो पिछले साल इंजील काफी हुई और उन्होंने निशान नहीं। तो जो बाइबल जो इंजील एक साल में 42 जगह उसके अंदर तारीफात हो चुकी हो तो गुज्ता 2000 साल में इतनी तारीफात हो चुकी हो, तारीफ क्या है ना, किताबुल्ला नहीं है मौजूदा इंजील किताबुल्ला नहीं है, वाह क्या कुछ ना कुछ उसके अंदर तालीमत इलहामी तालीमत मौजूद है, दो किस्म की तालीमत होती है, एक इलहामी एक इलहामी। तो वेटिकन सिटी वाले ये बात साबित कर चुके हैं, लालदा इस बात का साबित कर चुके हैं कि मौजूदा अंजील के अंदर 85% तालीमत जो है वो इलाहाकी है, लोगों की अपनी बनाई हुई अपनी मिलाई हुई खुद से कही हुई उसके अंदर रिवायात मौजूद है, और 15% वो है जो अल्लाह का वजह से उनके प्यार के मुताबिक उतारी है। उनमें से ये बात बताने लगा हूँ कि लुका और बता के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह का वजह से अल्लाह का वजह के हवाले से पिता फरमा रहे हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ना तो किसी ने उसको जरा ना उसने किसी को जरा, ना उसकी बेटी है ना उसका बेटा है। ये इंजील वाजे तौर पर ऐलान कर रही है, सलाम अल्लाह कहता है और इंजील के अंदर
हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आदमी को खुदा को सलाम ने फरमाया कि ए मेरे हवारी लोग, मैं तुम्हें ये खबर दे रहा हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो नबी आखिरुल ज़मान होगा। ये बात ध्यान रखो कि वो नबी आएगा तो तुम लोग उसकी इताअत करना और अपनी बेटियों को उसकी दी हुई तालीमात देना। अगर तुमने ये बात तस्लीम ना की तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओ। ये है ईसाई।